सरासरमण सिंधुबंदनम धोदगादि कमलम परमामि वट्टलवाणम तित्तम धम्म सरत्तल। गाथा नंबर 96। राणपगम पाड़म परम च दवत्तणाहि संबद्धम जानदि जदिनिच्छेदो जोसो मोहक्खयम् कुड़दे। आचार्य कुंदगुण देव विरचित यह प्रवचन सार ग्रंथ है, जिसमें हमारे भीतरी मोह को क्षय करने का उपाय बताया जा रहा है। पहले भी हमने कुछ उपाय सुने हैं और आगे भी ये उपाय अलग अलग तरह से बताए जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं राणपगमप्पाणम, आत्मा कैसा है? ज्ञानात्मक है। आत्मा कैसा है? ज्ञानात्मक है। आत्म शब्द और एक आत्मा जब लग जाता है, जब हम किसी का स्वरूप बता रहे होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, द्रव्यात्मक, तो यहाँ पर आत्मा जो शब्द लगता है वह उसका स्वरूप बताने के लिए होता है कि वह ज्ञानमय ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा ज्ञानमय है, इसका मतलब यही है कि जो ज्ञान की अनुभूति है, जो ज्ञान का अनुभव है, वही आत्मा का अनुभव है। आत्मा और ज्ञान ये एक दूसरे से एकमेक हुए, मिले हुए हैं। जैसे आपको द्रव्य गुण और पर्यायों के बारे में बताते हुए आम का उदाहरण दिया था, तो आम का जैसे खट्टापन या मीठापन उस आम के साथ ही मिला हुआ रहता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान स्वभाव उस आत्मा के साथ ही मिला हुआ रहता है। इतना अवश्य है कि ज्ञान आत्मा का गुण कहलाता है और आत्मा उस ज्ञान को धारण करने वाला एक द्रव्य कहलाता है। आत्मा द्रव्य है, उसका गुण ज्ञान है। जैसे कि आम द्रव्य है और उसका मिठास या खट्टापन जो कुछ भी है वो उसका गुण है। और गुण को और अगर ढंग से समझना चाहें तो रस नाम का गुण कहलाता है, मिठास और खट्टापन भी उसकी पर्याय समझना चाहिए। क्या कहा? रस गुण है। अब वो रस किस किस रूप में परिवर्तित होता जाता है, कन्वर्ट होता चला जाता है, वो जो उसमें पलटन हो रही है वह सब उसकी परिणतियां। कभी वो रस खट्टा है, कभी वो रस मीठा है, लेकिन रस कहलाएगा। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का गुण है और वह ज्ञान कभी मतिक ज्ञान है, कभी श्रुत ज्ञान है, कभी केवल ज्ञान है, ये सब उस ज्ञान की क्या है? परिणतियां हैं, पर्याय हैं। ज्ञान से वह आत्मा अलग नहीं, आत्मा से ज्ञान अलग नहीं, इसलिए ज्ञान आत्मा में एक तरह से मिला हुआ है। और अगर हम इस थोड़े से शब्द को समझें कि ग्राण पग, ज्ञान से मानो वह पगा हुआ है। पगा जानते हो? हाँ, थोड़ा प्राकृत से भी कुछ नया नया आनंद आने लग जाता है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो। राण पग, जो चीज जिसमें होती है वह उसमें पग जाती है। पगने का मतलब होता है कि वह उसके अंदर एक एक पॉइंट में समाई हुई है। जैसे आप क्या पकाते हो, छोटी छोटी सी वो बनाते हो, होती तो आटे की है, वो क्या बोलते हो? सकल पारा बोलते थे उसको भाई। आप लोग क्या बोलते हो? यही बोलते हो। और फिर उसमें जो है कहीं गुड़ की या शक्कर की चाशनी उसमें मिला करके, होती तो आटे की है, छोटी छोटी सी उसकी सांखें बना बना करके, और फिर उसको मिठाई में एक तरीके से किसी भी मिठास में उसको
डाल देते हो तो वो आटे की होते हुए भी वो मीठी हो जाती है, पक गई वो चाशनी उसके अंदर पक गई। ऐसे ही पक जाने का नाम, ज्ञान के साथ आत्मा का पक जाने का नाम, यह हम समझ सकते हैं। ये समझाने के लिए उदाहरण समझना, ऐसा नहीं समझना कि आत्मा अलग थी ज्ञान अलग थी या हमने उसको ज्ञान के साथ में पका लिया, ऐसा मैं। वह ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना और परम च दब्बत तणा ही संबद्धम, और उसके साथ में पर भी जुड़ा हुआ है, वह भी एक द्रव्य है, उसका अनादि से संबंध है, यह भी जानना कि ज्ञान का अपनी पर द्रव्य के साथ, पर माने सबसे पहले तो ज्ञान का संबंध होता है अपने कर्म के साथ, सुन रहे हो, और फिर कर्म और ज्ञान आत्मक आत्मा ये दोनों मिल जाते हैं जब, तो फिर जो है इसका आगे जब फॉर्मेशन और बढ़ता है तो फिर एक नया शरीर और बन जाता है। तो ये शरीर बनाने का काम कौन करता है, जो हमारे आत्मा में वह कर्म लगे हुए रहते हैं वह कर्म हमारे इस अन्य एक और शरीर को बनाने का काम करता है। कई लोग इस बात में भ्रम करते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो आत्मा में ही ज्ञान होना चाहिए, शरीर में ज्ञान कहां से आ गया, इंद्रियों में ज्ञान कैसे आ गया। ज्ञान आत्मा में होता है, शरीर तक उस आत्मा का संबंध बना रहता है, और वो संबंध कैसा बना रहता है, ज्ञान के साथ में आत्मा का भी परिणमन चलता है, और ज्ञान के साथ में वह आत्मा के साथ में कर्म भी जुड़े रहते हैं, और कर्म के साथ ही वह अनेक पुद्गल परमाणु और जुड़ जाते हैं जो शरीर बन जाता है, समझ आ रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नई नई तह बनती चली जाती है, और जो करंट है भीतर ज्ञान स्वरूप आत्मा की, वह करंट जो है जब प्रवाहित होती है तो वह कर्म में भी आती है और वह इस शरीर में भी आती है जो शरीर हमें दिखाई दे रहा होता है, समझ आ रहा है आपको। तो उस करंट के कारण से, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के कारण से हमारे शरीर में भी थोड़ा सा ज्ञान रहता है, चेतना रहती है, और हमारे आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं, इसलिए हमें अपने शरीर से उस ज्ञानात्मक आत्मा का भी अनुभव होता है और ज्ञानात्मक उस आत्मा का शरीर से भी अनुभव होता है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। और जब दो चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, अनादि से मिली हुई हैं, तो उन दोनों का स्वभाव कुछ ना कुछ बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, एक के साथ दूसरा रहेगा तो दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव तो आ ही जाता है, नहीं आएगा बताओ, तो नहीं आएगा। संगति का प्रभाव पड़ता अवश्य, और जो बिल्कुल एकमेक होकर के रह रहे हो उनमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा के अंदर कर्म घुस गए, कर्म में आत्मा चली गई, और दोनों अपने अपने में हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, देखो, आत्मा में ज्ञान था, चेतना आत्मा में थी, लेकिन कर्म के अत्यंत निकट संबंध होने के कारण से, एकमेक पना होने के कारण से, उन कर्मों में भी थोड़ी चेतना आ जाती है। क्या आ जाती है, चेतना आ जाती है, और कर्मों में जब चेतना आ जाती है तभी तो ऐसा होता है कि जब आपके अंदर भीतर क्रोध कषाय कर्म का, लोभ कषाय कर्म का, राग कर्म का, ये सब उदय होता है, तो फिर आपके ऊपर उस कर्म का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि आप वैसा भाव किए बिना रह नहीं सकते हो। ये प्रभाव किसका पड़ा, कर्म का पड़ा, कर्म तो पुद्गल था,
और पुद्गल कर्म का प्रभाव आत्मा पे पड़ क्यों रहा है? तो वो इसी कारण से पड़ रहा है कि ज्ञान चेतना ने अपने उस पुद्गल कर्म के अंदर भी वह शक्ति डाल रखी है कि जब उसका उदय होगा तो उसके ऊपर भी वैसा ही भाव उसके लिए महसूस होने लगेगा। इसी तरह से जब ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने स्वभाव में रहता है तो उसका यह प्रभाव पड़ता है कि कर्म भी उसके साथ रहते हुए थोड़े थोड़े से ज्ञानमय कुछ चैतन्यमय कुछ भावात्मक शक्ति उनके अंदर भी आ जाती है और उन्हीं भावों के कारण से वो अपना शरीर बना लेते हैं। ये शरीर बनता है किससे बनता है? कर्म के कारण से बनता है। कर्म किससे बने? आत्मा के विकारी परिणाम से बने। और ये सब मिलकर के जो एक नया शरीर बन जाता है तो वह शरीर भी उन्हीं आत्मा से उन्हीं कर्म से जुड़ा हुआ रहता है और इन सब का एक अनादिकालीन एक संबंध बन जाता है। इस संबंध को समझना, इस संबंध का स्वभाव समझना और अलग अलग हर चीज का स्वभाव समझना ही उसका शील कहलाता है। क्या सुन रहे हो? जो बातें आप समझते हो वो तो हर कोई समझता है और जो आप जानते हो वो हर कोई जानता है, लेकिन हम आपको कुछ और बता रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो। शील किसे कहते हैं? शील का मतलब होता है स्वभाव। शील माने स्वभाव, मतलब स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य का जो अपना अपना भाव है, अपना अपना नेचर है, वह स्वभाव ही उसका शील है। आत्मा और कर्म दोनों मिले हुए हैं लेकिन दोनों का स्वभाव तो अलग अलग है। कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है। हम अगर ये समझ लें कि कर्म का स्वभाव जड़ है, अज्ञान है, अचेतन है और आत्मा का स्वभाव चेतन है, ज्ञान है, तो ये हमें उसके शील स्वभाव की जानकारी हो गई। क्या हो गया? किसकी जानकारी हो गई? अपने शील को जानो, अपने शील स्वभाव को पहचानो। और ये शील स्वभाव का मतलब क्या है? अपने स्वभाव को जानो। देखो, हम गहराई से सोचने की कोशिश करें। सुबह आपको तत्वार सूत्र के माध्यम से जो सप्त शील व्रतों का वर्णन कराया जा रहा है, उधर भी हम शील बोलते हैं, सुन रहे हो? और इधर हम आपको कह रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव को जानना समझना, इसको भी शील कहते हैं। और इधर हमें यह भी कहा जाता है कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना शील का पालन कहलाता है। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं कि कहीं एक दूसरे से इनका कुछ कनेक्शन भी है? कोरिलेटेड है। देखो, को एजुकेशन में ये बात समझ में आती है कि ये चीजें कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड होने का मतलब क्या है? कि अगर हम अपने शील स्वभाव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शील स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए हमें सप्त शील व्रतों को स्वीकार करना होगा, सप्त शील व्रतों का पालन करना होगा। और सप्त शील व्रतों का अगर हम पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत का भी पालन या महाव्रत का भी पालन करना होगा। समझ आ रहा है? कभी कभी भीतर से भी बाहर की बात समझी जाती है और कभी कभी बाहर से भी भीतर की बात समझी जाती है। पैड़ी सील सहावो, प्रकृति कहो, सील कहो, स्वभाव कहो, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव जी समय सार में लिखते हैं कि प्रकृति कहो चाहे सील कहो चाहे स्वभाव कहो, एक ही बात। यानी हम अपनी प्रकृति को समझें। हमारी प्रकृति क्या है? अज्ञानमय कि ज्ञानमय? ज्ञानमय हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है ज्ञान निष्ठ होना। और अगर हमारे अंदर अज्ञानता है तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्रकृति में नहीं है, हम विकृति में हैं। जहां विकृति आएगी उस विकृति को हमें दूर करना होगा, तो दूर करने के उपाय बताए जाएंगे।
तो जिसमें हमारी रति हो रही है वो हमारे अंदर विकृति बढ़ा रहे हैं, तो उस रति को हटाना, विकृति को हटाना मतलब क्या है? जो सप्तशील बताए हैं, पांच अड़ु व्रत अलग हैं और सप्तशील व्रत अलग हैं, जिसमें तीन गुणव्रत आ जाते हैं, चार शिक्षा व्रत आ जाते हैं, ये सब सप्तशील व्रत कहलाते हैं। अब ये सभी सप्तशील हमारे स्वभाव को कैसे हमें उपलब्ध कराएंगे, ये हमें हमारे स्वभाव की तरफ कैसे ले जाएंगे? आप देख लो, जब हम किसी भी चीज की मर्यादा कर लेते हैं तो मर्यादा में रहना ही हमारा एक तरह का एक शील स्वभाव होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? किसकी मर्यादा में रहना? दिशाओं की मर्यादा में रहना, देश की मर्यादा में रहना, हाँ? और इसको हम केवल दिशाएं और देश तक ही ना समझें, अपने देश की मर्यादा में रहना, देश की जो संस्कृति है उसकी मर्यादा में रहना, देश की जो परंपराएं हैं उसकी मर्यादा में रहना, ये सब अगर हम मर्यादाओं को समझें तो ये सब हमारे लिए शील व्रत का पालन करने में सहयोगी बात है। क्या सुन रहे हो? हम केवल कई बार शब्दों का उतना ही अर्थ लेते हैं जितना हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, थोड़ा हमें उसका विस्तार भी करना चाहिए। देश व्रत का मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की संस्कृति को पालन करना भी देश व्रत है। ये मेरा भाव है, अच्छा लगे तो बता देना। देश व्रत का मतलब केवल स्थान की मर्यादा कर लेना ऐसा ही नहीं है कि भैया हम दिल्ली में ही रहेंगे। अरे नहीं, दिल्ली की संस्कृति में रहेंगे हम, केवल भारत में रहेंगे नहीं, भारत की संस्कृति में रहेंगे। और भारत की हो, दिल्ली की हो, कहीं की भी संस्कृति हो, संस्कृति तो वही कहलाती है जो हमारे पिछले संस्कारों के साथ में चली आ रही है, उसका नाम संस्कृति। और जो आजकल के टाइम में हमने उसको एडॉप्ट कर लिया है वो संस्कृति नहीं है, वो तो हमारी विकृति है। तो संस्कृति हमें कहां ले जाती है? हमें अपने शील स्वभाव की ओर ले जाती है, नहीं ले जाती? आप नाटक तो करते हो शील स्वभाव के, नाटक से मतलब कई बार मंचन होता है ना, तो मंचन में आप लोग ये दिखाते तो हो कि देखो बहू ऐसी होनी चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, समझ आ रहा है? कई बार लोग ये भी प्रश्न कर लेते हैं कि हमेशा नाटक में यही मंचन क्यों होते हैं कि बहू ऐसी होनी चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, मंचन क्यों नहीं होता कभी? क्यों मंचन करने वालों? हर चीज पर हमारी दृष्टि जब बराबर से जा रही है तो आज के समय में हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि बेटा कैसा होना चाहिए। वह नाटक में हम कहीं अटक ना जाएं, हमारी दृष्टि नाटक के जो अर्थ हैं उसकी ओर जाए, तो हम उस अर्थ की ओर जाकर के अपने उस भाव को समझ सकते हैं और उस भाव में आकर के ये भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हमें अपनी ओर आना होता है तो हमें पुरानी संस्कृति को ही सामने रखना होता है। लेकिन वर्तमान की संस्कृति और पुरानी संस्कृति में बड़ा भारी अंतर दिखाई देता है, समझ आ रहा है? बड़ा भारी। अब तो कुछ लोग भूल भी गए होंगे, भूलते भी जा रहे होंगे। आजकल के बच्चे तो जब तक, समझ आ रहा है, अपने उस उम्र की दहलीज पर पहुंचेंगे जहां पर उनका विवाह होता है, तब जाकर के जब वो वहां बैठेंगे तो उन्हें तो याद भी नहीं रहेगा कि पुराना क्या होता था, क्योंकि उनने कभी देखा ही नहीं, अपने सामने ही नहीं देखा कभी। क्या समझ आ रहा है? पुरानी संस्कृति में क्या होता था? बेटी का विवाह होता था, बहू आती थी, कैसी रहती थी, किसमें रहती थी, पर्दे में, घूंघट में। आजकल कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। फिर भी दिल्ली में तो दिखाई देना संभव ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है। इतना जरूर है कि ये चीजें भी हमने देखी राजस्थान में, समझ आ रहा है? राजस्थान में भी ये बागड़ का इलाका है ना, और बहुत कुछ
ये इधर भिंडर की तरफ तो वो ज्यादा ही है, उधर आज भी आप तो बेटियों की बातें कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी दादी माए हैं वे भी अभी तक ऐसे ही घूंघट निकाल करके प्रभु सुनने बैठ जाती थी। समझ आ रहा है? हाँ, अभी भी संस्कृतियां बची हैं, और वो संस्कृति कहां बची है? गांव में ही बची है। उन गांवों में अभी भी बहुएं धोती साड़ी पहनने के अलावा ऊपर से जो एक क्या बोलते हैं, दुपट्टा की चद्दर की सॉल है, आज भी पिछोड़ा वो आज भी उनके ऊपर डला हुआ वहां पर मिलता है। समझ आ रहा है? और कहीं कहीं पे तो हमें इतना अच्छा भी लगा उस संस्कृति में कि जैसे मान लो ये जो बांसवाड़ा का इलाका है, ये पूरा जो इलाका है बागड़ का इलाका कहलाता है, यहां पर लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञान हमें संस्कृति का अलग अलग देशों का होना चाहिए, है ना, और अगर हम उससे कुछ सीख ले पाए तो हमें सीखना भी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात वहां क्या है कि वहां पर जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, बेटे बेटियों की जो शादियां होती हैं, वो बेटे बेटियों की शादियां अपने ही उन रिश्तेदारों में और जान पहचान के लोगों में ही होती हैं। इसलिए वहां के कभी बेटे बेटियां इधर उधर भाग नहीं पाते, और उनके लिए किसी भी तरीके का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वहां पर जो है वो संस्कृति अपने आप में बड़ी प्रगाढ़ होती हुई वहां पर नजर आती है, और वहां पर किसी भी तरह से ये भाव नहीं मिलता कि बेटी इतनी बड़ी हो रही है इसका विवाह करने वाला नहीं मिल रहा, या बेटा इतना बड़ा हो रहा है इसका विवाह करने वाला नहीं मिल रहा। रिश्तेदारों में उन बेटे बेटियों का विवाह एक दूसरे के साथ बना रहता है, इसलिए वहां पर गांव भी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो बागड़ के गांव हैं वे सब एक दूसरे से जुड़े हैं इन्हीं संबंधों के माध्यम से। सुन रहे हो? हाँ, ये अच्छी बात है कि नहीं, ये तो बताओ है? आपको अच्छा लगेगा कैसे? भले ही बेटा कितना ही पढ़ा हो, बेटी कितनी ही पढ़ी हो, बेटा बेटी को आपस में इस तरीके से वहां पर बड़ा घनिष्ठता है संबंधों में। हाँ, उनके परिवार के जैसे पिता हैं, पिताओं के जो मित्र हैं वही आपस में अपने बेटे बेटियों के संबंध बना लेते हैं और बड़े अच्छे चलते हैं। कहीं पर भी वहां पर संबंधों में बिगाड़ नहीं दिखने को मिलता, तलाक जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती, वैमनस्क नहीं दिखाई देता, और बड़ी जल्दी वो सब आपस में जो मित्र होते हैं वो सब परिवार के लोग होते हैं, जब ऐसे रिश्तेदार बन जाते हैं तो उनमें घनिष्ठता भी अच्छी बनी रहती है। ये चीज इधर क्यों नहीं है? मान लो आपका रोहिणी है, समझ आ रहा है, रोहिणी में भी अलग अलग सेक्टर हैं, कितने सारे परिवार हैं, हम यहीं के यहीं पर इस तरीके से इन संबंधों को बनाए रख करके अपने बेटे बेटियों को एक लंबी सुरक्षा का भाव क्यों नहीं दे पाते? लंबी सुरक्षा का मतलब है उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर वो परिचित व्यक्ति होते हैं जो आपस में एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, समाज के बंधु समाज के लोगों को जानते हैं आपस में, वो जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो वे इस भावना से जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इससे जो है जैन संस्कृति बड़ी प्रगाढ़ बनती है, और इस तरीके से ही अगर ये संबंध आपस में एक दूसरे के बनते जाएं तो कभी भी अपने घर की बेटियां कभी भी अन्य लोगों के साथ में विवाह करने की चेष्टा नहीं करेंगी, और बेटों के लिए भी हमें कहीं अलग से बहू लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके बेटे बेटियों के संबंध इस तरीके से होने लगेंगे तो समाज में जो अनेक कुरीतियां फैल रही दहेज प्रथा की, ये कुरीतियों पर भी एक लगाम लग जाती है। क्या समझ आ रहा है? नहीं है? आप पढ़ा लिखा तो कहते हो अपने आप को, लेकिन पढ़ी लिखी समाज में भी दहेज प्रथा की कुरीति बहुत बढ़ चढ़ करके है। बेटा पढ़ जाए तो बेटे का बाप सीधे मुंह बात नहीं करता, समझ आ रहा है ना? हाँ, मेरा बेटा, हाँ 11 लाख का पैकेज है उसका, 10 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है,
जब उसके लिए ऐसा भाव आने लग जाता है तो फिर वह सीधे मुंह बात नहीं करता। संबंध आते हैं तो संबंधों में सबसे पहले यही खरीदारी पहले होती है, संबंध बाद में बनते हैं। समझ आ रहा है? अगर ये दिल्ली थोड़ी सी समझदारी से काम करे, हमें खरीदारी पहले करना है कि संबंध पहले मीठे बनाना है, एक सोचने की बात है। सबसे पहला तो हमारा भाव यह होना चाहिए हमारी आपसी रिश्ते अच्छे बने। जब बागड़ में हमने एक चीज देखी तो वहां पर कभी ये खरीदारी नहीं होती। क्या सुन रहे हो? 2 करोड़ लगेंगे, 1 करोड़ लगेंगे, ये नहीं होता। वहां आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता रहती है। हमारा आपसे संबंध है, हमारा बेटा बड़ा हो गया, आपकी बेटी बड़ी हो गई, हम चाहते हैं कि आपस में इन दोनों का विवाह कर दिया जाए और वे मित्र फिर आपस में समधी समधी हो जाते हैं। कितनी अच्छी परंपरा है, ब्याईजी ब्याईजी हो जाते हैं। और इस तरह से वहां पर जो है ये सब रिश्तों में, जहां रिश्ते पैसे से शुरू होते हैं वो रिश्ते आगे कितनी देर तक चलेंगे, कैसे कैसे केस हो रहे हैं हमारी समझ नहीं आता। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि स्त्री जाति इतनी कठोर हो सकती है। कभी कभी स्त्री जाति में इतनी कठोरता दिखाई देती है, लड़की इतनी कठोर हो जाती है, लड़की इतनी निर्दयी हो जाती है कि उसे घर परिवार बिगड़ता हुआ नहीं दिखता है, केवल अपने शौक दिखते हैं। समझ आ रहा है? कितने ही केस, अभी एक लड़का मेरे सामने आया, 6 महीने भी नहीं उसके विवाह को हो पाए। समझ आ रहा है? और उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे इस घर से अलग रहना है। उसकी पत्नी ने किराए के घर में रह करके अपने पति के साथ में अलग उसको कर लिया और घर का सारा सामान जो है उसने उस घर में उस फ्लैट में लाकर के रख लिया। अचानक से एक दिन उसने क्या किया कि अपना सारा का सारा सामान अपने मायके पहुंचा दिया, घर में ताला लगा दिया फ्लैट में, और लड़का बाहर का बाहर खड़ा रह गया। सुन रहे हो? अब वो ताला तोड़ नहीं सकता है, केस कर नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं जिनमें लड़की के लिए सुरक्षा दी जाती है, और लड़की ने अगर कह दिया है कि इनने ताला तोड़ करके हमारा सामान निकाल लिया तो उल्टा उसको और देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? पता नहीं कहां कहां से दिमाग आते लोगों का। वो लड़का परेशान होते होते मेरे पास आता है, यही साधारा की बात बता रहा हूं आपको, जैन लड़के की बात बता रहा हूं। समझ आ रहा है? ऐसा उसकी लड़के की इतनी सीधापन, उसको इतनी सकल सूरत देख करके उसको लगता है कि देखो, इन लड़कियों को यह भी नहीं लगता है कि लड़के कितने सीधे हैं, क्या हैं, और हम इनके ऊपर कैसे जुर्म ढा रहे हैं। ऐसे एक केस नहीं है, कई केस हो रहे हैं। ये लड़कियां देखने में इतनी मासूम लगती हैं, सीधी लगती हैं, लेकिन जब ये बहू बन जाती हैं तो पता नहीं कैसा इनके अंदर क्या भाव आता है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि ये हंटर चलाती है बिल्कुल। हाँ, बुरा नहीं मानना, देखो मैं बहुत सुनता रहता हूं इसलिए बोलना पड़ता मेरे। कई बार ये मैंने केस देखे हैं कि लड़कियों ने घर बिगाड़े हैं, और किस कारण से? अपने माता पिता के कहने से। और कई बार तो उनके पिता भी इतने कठोर होते हैं कि उस लड़की को सहारा देते रहते हैं और कहते रहते हैं हाँ तू ऐसा ही कर, उससे पैसा बुलवाते रहते हैं। उसने अपने पिता का पैसा भी निकाल लिया, उसके माँ बाप के जो जेवर थे वो भी निकाल लिए, उसके पास जो था वो अपने घर में, वो भी अपने घर में पहुंचा दिया और फ्लैट में जो है ताला लगा दिया। अब वो लड़का जो नौकरी कर रहा है उसका किराया भर रहा था, उसका किराया भर रहा है। समझ आ रहा है? वो प्रशांत विहार में अपने पास में आया, उसने समस्या समझा कही, और जब उसने समस्या कही, समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा उससे कहा भाई जो उसके लिए कुछ धार्मिक ट्रीटमेंट हो सकता है उसको धार्मिक ट्रीटमेंट दिया है? और वो इस बात से परेशान था कि मुझे बेवजह इसका किराया भरना पड़ रहा है और बेवजह मैं जो है एक चक्कर में पड़ गया। अब वो तलाक भी नहीं लेना चाहती, मैं भी तलाक नहीं देना चाहता, और वो जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है और परेशान किए जा रही है। सुन रहे हो? कैसी चीजें हैं, एक एक घर की नहीं है, कई घरों की कहानी है, हम सबकी कह नहीं सकते एक साथ। उसको हमने धार्मिक ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा ट्रीटमेंट उसके लिए लागू हो गया, और अभी वो कल परसों के दिन यहीं पर आया, कहने लगा महाराज
उसकी बुद्धि इतनी अच्छी हो गई कि उसने फ्लैट का ताला खोल दिया, किराया देने से मुझे बच गया। समझ आ रहा है? फिर भी अभी बात पूरी सही बनी नहीं है। उससे कहा धीरे धीरे बनेगी, थोड़ा धैर्य रख। समझ आ रहा है? ये कहानियां क्या बताती हैं, क्यों ये स्त्रियों के अंदर इतनी कठोरता, पुराने घर से इतना संबंध। और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहता है, जहां बहू अपने मायके से संबंध रखेगी, मायका ही गला था ना, मां बाप का, हां पियर, जहां बहू अपने मायके से अधिक संबंध रखेगी, अपने पिता की बात मानेगी, तो वहां पर जो है वह जिस घर में रह रही है उस सासू के घर में कलह करने वाली ही होगी। एक बहुत बड़ा कारण है, उस बहू का पिता माने उस बेटी का पिता उससे अपना संबंध बनाए हुए है। किस रूप में? कि तू इनसे पैसा निकाल, ऐसे ही पैसा निकाल, ऐसे ही पैसा निकाल, और वो वहां से पैसा निकाल के जेवर निकाल करके अपने पिता को देती रहती। पहले क्या होता था, बेटी जब बहू बनती थी तो उससे पिता कह देता था, मां कह देती थी, बेटा आज से यही तेरी मां है, यही तेरे पिता हैं, और यही तेरा घर है। अब ये घर तेरा पराया हो गया, वो घर तेरा अपना है, अब तू उस घर को संभालना, उसी घर की होकर के रहना। नहीं कहती थी ये? आगे बैठी माएं बताएं, हैं पीछे वाली बहुएं क्या बताएंगी? जब ये भाव दिया जाता था तभी तो जाकर के वह पर घर को अपना घर समझेगी, तो घर को घर समझेगी, तो घर की तरह चलाएगी। अब वो घर को घर समझती नहीं, उसका आदत क्या रहती है, शुरू से ही उसको जो है बिजनेसमैन बना रखा है, जॉब भी कर रही है, दिमाग कहाँ है, पैसे पर है। समझ आ रहा है? जॉब करने से एक सबसे बड़ी दुखदायी स्थिति यह बनती है, दिमाग कहां रहेगा, पैसे पर रहेगा, उसे हर बात पे अपना इकोनॉमी दिखेगी, उसको घर में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हम यहां घर में आए हैं तो वहां पर भी उसका दिमाग यही चलेगा कि इस घर की जो है संपत्ति हमारे लिए कैसे बने, कैसे हम इस संपत्ति के हकदार बन जाए। ये उसका माइंड कैसे बन गया? माता पिता ने शुरू से ही बेटा पढ़ ले, पढ़ने के बाद में जॉब करना, और जॉब करके पैसा आएगा तो उससे तेरा खर्चा चलेगा। समझ आ रहा है? अब माता पिता आज के जमाने में इतने अपाहिज हो गए हैं, इतने कहना चाहिए असमर्थ हो गए हैं कि अपनी बेटी का खर्चा भी वो नहीं निकाल के दे पाते हैं, है ना? और फिर जब वो पराए घर में जाती है तो फिर वहां पर उसकी सासू मां कहेगी कि फिर बेटा हाँ इस घर का भी अब खर्चा तेरे को निकालना है, तो इस घर के खर्चे के लिए फिर वो बिजनेस, फिर वो जॉब करेगी। समझ आ रहा है? उसको अपने घर का खर्चा निकालने के लिए ना इस घर में सहायता मिली, ना उस घर में सहायता मिली। ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं होता, कि सहायता देने के लिए हमारे पास में भाव नहीं होता, भाव ये रहता है, लेकिन हम उस भाव के साथ में जी नहीं पाते, और हम उसको जबरदस्ती जॉब करा करके उससे पैसा कमाने की जो आदत डलवा देते हैं, इसी आदत के कारण से वह स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, जिसमें मां की तरह कोमलता होती है, करुणा होती है, वो भाव उसके अंदर से उस पैसे के कारण से, उस पैसे के लोभ से हटने लग जाता है, छूटने लग जाता है। और पर घर में जाकर के भी वह अपने स्वभाव में नहीं रह पाती, विभाव में आ जाती है, और उसी के कारण से उसका स्वभाव जो मृदु होता है वह मृदु ना होकर के फिर कठोरता के रूप में दिखाई देने लग जाता है। सुन रहे हो? कोई भी चीजें होती हैं, सर्वथा नहीं है, क्योंकि अनेकांत धर्म में सब कुछ अनेकांतमय है, है ना? कोई भी कथन है, कथन की विवक्षा जिस मुख्यता से कथन किया जा रहा है आप उसी मुख्यता से देखें। अगर कहीं पर कोई दो चार बहुएं अच्छी भी हैं, कमाने वाली भी हैं, कोई अच्छा घर भी चला रही हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन मुख्यता जो दिखाई दे रही है आज सबसे ज्यादा संस्कारों में गिरावट, वो इसी कारण से दिखाई दे रही है। संस्कार, संस्कृति, ये सब चीजें हमें अपने शील स्वभाव की ओर ले जाने वाली थी, लेकिन उस शील स्वभाव में कमी आ गई
क्योंकि हमारा सील स्वभाव क्या अपनी बेटियों को पैसा कमाने के लिए होना चाहिए? ये सील स्वभाव है क्या बताओ? अच्छा, पुरानी संस्कृति थी क्या? नहीं थी, लेकिन हम ऐसा करते हैं, करवाते हैं। ये बात अलग है कि कोई अच्छे अच्छे पदों पर हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो, किन्हीं की अच्छी योग्यता हो, उनके लिए तो चलो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जहां पर कोई योग्यता का कुछ भाव ही नहीं है, केवल कचड़े की तरह, जैसे बी की लाइन है, मान लो, समझ आ रहा है, इंजीनियरिंग की लाइन, आप देख लो इस लाइन के अंदर क्या पड़ा है, ढेर के ढेर बेरोजगार, ढेर के ढेर लोग, और उन लोगों में आप देख लो सुबह से शाम तक छोटे छोटे से कमरों में एक एक जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, और केवल उनके लिए बस वो एक सामने ढाई बाई ढाई की स्क्रीन रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। ये क्या तरीका है, ये कौन सा जॉब है, ये कौन सा प्रोफेशन है, और इससे हमारी कौन सी क्वालिटी बढ़ती है? हम अगर कुछ काम करें तो ऐसा करें जिससे कुछ समाज की सहायता हो। हम अगर कोई नौकरी भी करना चाहें तो ऐसी गवर्नमेंट सर्विस करें जहां पर पहुंचने के बाद में हमें भी इस बात का फक्र हो कि देखो हमारी समाज की बेटियां भी उच्च उच्च पदों पर आसीन हैं। ऐसा नहीं हो सकता, बेटियां बड़े बड़े पदों पर खुद आए, खुद अपने लिए इतनी गरिमा बनाएं कि हम किसी की नौकरी ना करें, हम अपने अंडर में भी अपने लोगों को रखते हैं और उनसे काम कराते हैं, हम नौकर नहीं है, हम दूसरों की नौकरी नहीं करते हैं, हम अगर सेवा करते हैं तो देश की करते हैं, धर्म की करते हैं, सरकार की करते हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन जब हम प्राइवेट फैक्ट्रियों में जॉब करने लग जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लग जाते हैं, तो उसमें ना देश सामने होता है, ना धर्म सामने होता है, ना समाज सामने होती, कुछ नहीं होता है, केवल अपना पैसा कमाने का उद्देश्य सामने होता है। हमने पढ़ाई की है तो हमें पैसा कमाना है, सिर्फ इतना ही उद्देश्य। अगर हम अच्छी अच्छी पोस्टों पर हों, अच्छे अच्छे लॉयर हों, जज हों, समझ आ रहा है, आईएएस कलेक्टर हों, अच्छे अच्छे जो है बैंक मैनेजर हों, ऐसी पोस्टें हों, अच्छे अच्छे जो है लेक्चरर हों, प्रोफेसर हों, इन पोस्टों पर अगर बेटियां होती हैं तो उससे बहुमान बढ़ता है। मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ो लिखो, ये सब भी पढ़े लिखों की पोस्टें हैं, यहां पर भी पहुंचने के बाद में लोगों की एक अलग उनका ओहदा होता है, और उससे जो सम्मान मिलता है उस सम्मान से देश का भी भला होता है, समाज का भी भला होता है। और अगर वो बात कभी सामने आती है तो कभी कभी देश समाज के लोग भी गर्व से कह पाते हैं, हमारी बेटी कलेक्टर है, हमारी बेटी मैनेजर है, इस हमारी बेटी जज है, इस तरह की जो है एक गरिमापूर्ण जो चीजें होती हैं, उन चीजों पर बेटियों का ध्यान होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? कोई भी प्रोफेशन हो उसमें हम ये देखें कि ये गरिमापूर्ण पद है कि नहीं है। सामान्य से केवल बस बेटियों को घुमाना, मॉल में बिठा देना, कार्टून की तरह उनका बस उपयोग करना, समझ आ रहा है, आजकल बहुत सी जगह तो बस उनका उपयोग यही रह गया, बस मॉडलिंग का जमाना है ना, तो बस उनको मॉडल बना के बिठा दिया जाता है, उनको देख करके लोग वहां आते हैं। बहुत बड़ी आपको बता रहा हूं भीतरी बात, हाँ, उनको जो है इसी तरीके के लिबास में वहां बैठाया जाता है कि उनको देख करके वहां ग्राहक ही बढ़ती है उनकी। हाँ, बुरा लग सकता है आपको इस बात का, ऐसे बहुत सी जगह हैं, बहुत से प्रोफेशन हैं जहां बेटियों को सिर्फ इसलिए बैठाया जाता है कि ग्राहक ही उन्हीं के बैठने से बढ़ती है, समझ आ रहा है। हाँ, लोग अपने आप वहां आएंगे, रुकेंगे, बातचीत करेगी, वो स्टाइलिस्ट होकर के बातचीत वहां करेगी, तो बस उसका जो है जितना ग्राहक बनाएगी उतना कमीशन उसके लिए वहां से मिलेगा। ये प्रोफेशन है लोगों, अब ये चीजें हमारे लिए संस्कृति शील स्वभाव वाली है, हमें अपनी बेटियों को क्या इतना कमजोर बनाना चाहिए? हमें अपनी बेटियों के साथ में क्या इस तरीके के बिजनेस या इस तरीके के प्रोफेशन कराना चाहिए? हमें सीखना चाहिए हमारी संस्कृति क्या थी कि हम अपने बेटे बेटियों को इतना अच्छा बनाएं कि बड़ा होकर के भी जो है वो ये महसूस करें कि हाँ हम कोई गौरवान्वित पद पर हैं, और अगर वो कभी किसी साधु के पास पहुंचे तो साधु भी इस बात का गौरव महसूस कर सके कि देखो हमारे समाज की बेटियां भी
इतने अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जिनके कारण से आज समाज में एक बहुत अच्छी संस्कृति और धर्म का प्रवाह बना हुआ है। हमें भी गौरव नहीं होगा क्या? कुछ ऐसा हो तो हमारे लिए भी तो होगा, लेकिन वो कब होगा? जब आप बी बना करके उन सबको बेकार करते जाओगे और सबको बस वो वहीं बेंगलोर और पुणे के उन्हीं सब आईटी सेंटरों में बैठालते चले जाओगे, तो ये चीज तो हमें कभी पसंद नहीं आ सकती। आप कुछ अपनी योग्यता से अपनी अलग लाइन पकड़ो, भेड़ चाल में मत चलो, अच्छी चीजें सीखो। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अच्छी ब्रांचों में भी अच्छा सब आगे बिजनेस होता है, अच्छा सब कुछ होता है। ऐसी पोस्टें हो जिन पर पहुंचने के बाद में समाज भी गौरवान्वित हो कि देखो ये आईएएस बनकर के आई, कलेक्टर बनकर के आई, मेरी बेटी बैंक में मैनेजर है। समझ आ रहा है? इस तरीके की पोस्टें जो गवर्नमेंट की होती हैं, ये फिर भी रेपुटेड पोस्टें कहलाती हैं। इन पर पहुंचने के लिए हमें अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ नहीं है तो उन्हें सबसे अच्छा टीचिंग जॉब होता है, वो किसी भी लाइन में रहें, टीचिंग का जॉब अपने आप में बहुत अच्छा जॉब होता है। समझ आ रहा है? ये कराना चाहिए। लेकिन एक कंपनी के नौकर बनकर के रहना, भले ही अपने आप को बी होल्डर कहना, ये अपने को कहीं से कहीं तक बेटियों के साथ अच्छा सलूक हो रहा है ये हम नहीं कह सकते। समझ आ रहा है? बेटियां आपकी हैं, लेकिन हम चूंकि समाज में रहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जितनी बेटियां आपकी हैं वो सब बेटियां अपनी भी हैं। और करुणा के कारण से बात कह रहा हूं कि आपको अपनी बेटियों पर दया नहीं आती, लेकिन जब हम ऐसी बेटियां देखते हैं तो हमें उन पर दया आती है कि आपने अपनी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा अच्छा करो जिसके कारण से हमें भी लगे कि ये समाज की बेटियां नहीं है, ये अपने धर्म की बेटियां हैं और इन्होंने इस धर्म को इतना गौरवान्वित किया है, ऊपर उठाया है। ऐसा हम भी फक्र के साथ तुम्हारा उदाहरण सभा के बीच में दे सकें, ऐसी बेटियां होनी चाहिए। समझ आ रहा है? यहां के एक डॉक्टर हैं एसपी जैन, सत्य प्रकाश जैन, है ना, वो संघ में आते थे। एक बार उनकी जो बेटी थी वो लंदन में गई, उसका जो है कोई बहुत जो रेयर सिलेक्शन होते हैं उसमें किसी चीज में उसका सिलेक्शन हुआ था। हाँ, और वहां पर पहुंचने के बाद में जो है वो अपने बॉस के साथ बैठी थी, वहां पर पार्टी चल रही थी, और वो जो है एसपी जैन संघ में आते थे, बेटी को भी साथ में लाते थे, आचार्य महाराज के पास में भी आती थी। और वहां पर जो है जब वो लंदन गई तो उससे पहले जो है वो आचार्य महाराज से मिलकर के गई, उनसे नियम लेकर के गई, और उसके बाद में वो लंदन गई। अब वहां पहुंचने के बाद में उसके साथ वही कंडीशन बनी, बॉस बैठे हैं, बहुत सारे और लोग बैठे हैं, और वो सब आपस में जो है ना, लो करो चेयर्स। समझ आ रहा? तो उस समय पर उसकी हिम्मत देखो आप, उसने कहा आई डोंट लाइक इट। जब उसके बॉस ने सुना, क्यों? नहीं, बिकॉज आई एम ए जैन। तो उसका बॉस उससे कहता है आई एम एग्री विद यू, मैं आपके लिए कोई अलग से प्रेशराइज नहीं करूंगा, अगर आपका नियम है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके नियम की अनुमोदना करते हैं। और वो जो है वहां पर उस पीने से बच गई, क्योंकि उसने नियम लिया था कि मैं अगर बाहर भी जाऊंगी तो कभी ऐसा करते नहीं करूंगी। अब ये उदाहरण हमें देने में गर्व महसूस होगा कि शर्म महसूस होगी, बताओ है? क्यों नहीं देंगे हम ऐसे उदाहरण? और वो जो हम बेटी का उदाहरण दे रहे थे जो बहू बन के आई, समझ आ रहा है, और घर में इस तरीके से कृत्य करती है, अब ये कैसे उदाहरण है? एक शर्म के भी उदाहरण होते हैं, गर्व के भी उदाहरण होते हैं। हम कुछ ऐसे संस्कार अपने अंदर डालें जिसके माध्यम से हमारा शील स्वभाव बराबर बना रहे। और वो शील स्वभाव कैसे बना रह सकता है? जब हम इन शील व्रतों की ओर ध्यान देंगे, अड़ू व्रतों की ओर ध्यान देंगे, अड़ू व्रत लेने के बाद, शील व्रत लेने के बाद जब हमारे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होता चला जाता है, तभी हम इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे जो यहां कहा जा रहा है। यहां तो बहुत ऊंची स्थिति बताई जा रही है, स्वयं को स्वयं जानना, स्वयं को स्वयं के रूप में अनुभव करना, ज्ञानात्मक आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करना,
और जो कर्म आदि द्रव्य हैं उन्हें अपने भिन्न स्वरूप में अनुभव करना, इसी का नाम है जानदि जद निश्चयदो जोसु मोहक खयम कुड़दी। कि जो निश्चय से ऐसा जानता है, निश्चय माने व्यवहार में तो दो चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन निश्चय में दो चीजें नहीं जुड़ती हैं, ये निश्चय और व्यवहार की पहचान है। हमने आपको बताया आत्मा और कर्म का संबंध है, लेकिन संबंध होते हुए भी निश्चय से कर्म कर्म है, निश्चय से आत्मा आत्मा है, और संबंध है तो वो व्यवहार नहीं कहेगा, व्यवहार नहीं से आत्मा और कर्म का संबंध है, लेकिन निश्चय ने क्या कहेगा, आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है, आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है, क्योंकि आत्मा अपने शील स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता और कर्म अपने शील स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। कर्म का स्वभाव क्या है, आत्मा में विकृति पैदा करना, और आत्मा का स्वभाव क्या है, अपने आत्म स्वभाव में ही रहना, अपने ज्ञान स्वभाव में रहना, यह आत्मा का स्वभाव। समझ आ रहा है, यह शील की भीतरी बातें हैं, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। वह ब्रह्मचर्य का मतलब वास्तविक रूप में यही होता है, एक ब्रह्मचर्य होता है शरीर से पालने वाला, एक होता है मन से पालने वाला, और एक होता है आत्मा का ब्रह्मचर्य। समझ आ रहा है, ये तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। शरीर से पाला जाने वाला ब्रह्मचर्य, हम किसी दूसरी स्त्री के साथ में अपना कोई भी फिजिकली अटैचमेंट नहीं रखते हैं, ये शरीर से पाला जाने वाला ब्रह्मचर्य है ना। ये प्रारंभिक एक प्राइमरी स्टेज पर बच्चों के लिए जो नियम दिया जाता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम इस ब्रह्मचर्य का मतलब क्या समझें, तो उनको जो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में पढ़ते हुए जो ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है वो एक प्राइमरी स्टेज का होता है। वो इतना ही होता है कि हम किसी अपोजिट सेक्स के साथ या अपने सिमिलर सेक्स के साथ भी फिजिकली अटैचमेंट वाले संबंध नहीं रखें। ये पहला क्या हो गया, ये शरीर संबंधी ब्रह्मचर्य हो गया। दूसरा क्या होता है, मानसिक ब्रह्मचर्य। मानसिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम किसी भी स्थिति में किसी भी अपोजिट सेक्स के बारे में गलत चिंतन ना लाएं, अपने मन में किसी भी स्त्री के बारे में ना सोचें, अपने मन में किसी भी पुरुष के बारे में ना सोचें, अपने मन में कोई भी मानसिक विकार किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री का ना आए, इसको कहा जाता है मानसिक ब्रह्मचर्य। समझ आ रहा है, ये ज्यादा पोटेंशियल होता है किससे, शारीरिक वाले से, और इसके लिए थोड़ा सा और जब आगे हमारी गति बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, तब हम इस मानसिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझ पाते हैं। और फिर इससे भी बढ़कर के होता है आत्मिक ब्रह्मचर्य। आत्मिक ब्रह्मचर्य का मतलब जो यहां बताया जा रहा है, आत्मा का आत्मा में ही रमण होना। ब्रह्म माने होता है शुद्ध आत्मा, ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा, जो अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका अपनी ही आत्मा में रमण होना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, अपनी आत्मा में लीन होना, ये आत्मिक ब्रह्मचर्य कहता है। और इसी आत्मिक ब्रह्मचर्य से मोह का भीतर से संस्कार जो पड़ा रहता है उसका नाश हो जाता है। बाकी के दो ब्रह्मचर्य क्या है, वो उस मोह के संस्कार को नाश करने की एक प्रक्रिया है बाहरी, लेकिन भीतरी प्रक्रिया क्या है, भीतर से जब हमें अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में आनंद आने लग जाता है तो बाहर की विषय वासनाओं में आनंद आता ही नहीं, क्योंकि जो अपने शरीर को अपनी आत्मा से पृथक अनुभव करेगा वो दूसरे के शरीर में रमण करने का भाव कर कैसे सकेगा। नहीं समझ आ रहा, जो अपने शरीर को ही अपना नहीं मान रहा है तो दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए लालायित होगा कैसे, ये वो आत्मिक ब्रह्मचर्य। तो आचार्य कहते हैं यही मोह के जो संस्कार अंदर पड़े हैं कर्म के रूप में उनको नाश करने के लिए यही आत्म भावना काम में आती है, इसी से मोह का क्षय होता है, और इसी के माध्यम से वह ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करना, यही ब्रह्मचर्य कहलाता है, जो हमारा एक अंतिम ब्रह्मचर्य का भाव होता है। उस भाव तक पहुंचने के लिए ये एक सीढ़ी है बाहर से भीतर की यात्रा करने की, है ना। और इस यात्रा में अगर हम सफल होते हैं तो देखो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, हमारा स्वभाव नहीं है,
हम अपने से जुड़ी हुई भीतरी जो मोह के संस्कार, काम वासना के संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं, उनको जब हम अपनी इस ज्ञानात्मक भावना से अलग करेंगे तो हम अपने शील स्वभाव को प्राप्त कर रहे हैं, माने हम अपने नेचर को प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ही स्वभाव है हमारा। बस उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही ये कहा जा रहा है मोह का क्षय करो। तो पहले बाहरी मोह का क्षय करो, मानसिकता से मोह का क्षय करो, और फिर आत्मा में जो कर्म के संस्कार पड़े हैं जिनके कारण से मोह उत्पन्न होता रहता है उसका क्षय करो। वो कैसे होगा, आपको बाहरी कोई निमित्त मिला और उस निमित्त मिलने के बाद भी आपके लिए अपने ज्ञान स्वभाव में ही आपका ध्यान लगा हुआ है तो आपके लिए उस मोह का प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि आपने मोह के संस्कार को भीतर से नष्ट कर दिया। होता है कि नहीं होता है, कभी विचार किया आपने सेठ सुदर्शन का है? कभी उनकी कहानी पढ़ना कितनी विचित्र है, कामदेव सा शरीर है, सेठ सुदर्शन है ना, और उनके साथ में जीवन में एक नहीं दो दो तीन तीन बार ये घटनाएं घट गई, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव की दृढ़ता कि उस दृढ़ता में उन्होंने कभी भी अपने आत्म स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा, इसी को सच्चा शील स्वभाव कहा जाता है। और ये तभी होता है जब हमारे अंदर इस स्वभाव को प्राप्त करने की भावना हो। तो एक काम तो हम कर ही सकते हैं कि हम इस ब्रह्मचर्य से डरे नहीं। कई लोगों को तो, आज की पीढ़ियों को तो इस नाम से डर लगता है, समझ आ रहा है? हाँ, आप कभी देख लेना, मैं तो सबसे बात करता रहता हूं, कभी बच्चों से तो आप कभी ब्रह्मचर्य की बात ही कर दो, दूर भागते हैं, वो जानते सब हैं लेकिन कहेंगे क्या करना होता है इसमें, क्या कर सकते हैं, उन्हें जानते हुए भी वो उससे दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तो बच्चों के लिए इतना ही ब्रह्मचर्य अगर आप दिला सकें, उन्हें समझा सकें कि बेटा बेटी जब तक तेरा विवाह नहीं होता तब तक के लिए तू कभी पर पुरुष या पर स्त्री से जो है अपना संबंध नहीं रखना। विवाह होने तक का ये ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचारी के रूप में कहा जाता है, और इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का संस्कार अगर उस बेटा बेटी के अंदर एक नियम के रूप में रहेगा तो आपसे गारंटी से कह सकता हूं वह बेटा या बेटी आगे चल करके कभी भी जो है इस तरीके की विडंबनाओं में नहीं पड़ेंगे कि वह एक को छोड़कर के दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, एक को छोड़ तलाक देकर के दूसरे को फिर अपना रहे हैं। ये जितनी भी विसंगतियां आ रही हैं ये सब इस ब्रह्मचर्य का अर्थ समझने के कारण, नहीं समझने के कारण से आ रहे हैं। पहले के लोग इसको बहुत महत्व देते थे, बचपन से इसका महत्व रहता था, गुरुकुल में पढ़ाने का मतलब ही है ब्रह्मचर्य का। मतलब क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ऐसे ग्रंथ में, गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्य, ये लिखा हुआ है। गुरुकुल में वास करने का नाम ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जहां तक आप गुरु के सन्निधि में रहेंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका ब्रह्मचर्य अवश्य पल ही जाएगा, पलेगा ही, और जहां इतना संस्कार पड़ गया तो आगे तो अपने आप काम आएगा ही। तो हम बच्चों को यह समझाएं कि जब तक उनका विवाह नहीं होता है तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन इस रूप से करें कि वो फिजिकली टचमेंट किसी के साथ इस रूप में ना करें जैसी उनके लिए कंडीशन बन जाती है। बाकी का बातचीत करना मना नहीं है, समझ आ रहा है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना मना नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं को इतना कंट्रोल में रखें कि हम कभी उस हद तक ना पहुंचे जो हमारे लिए निषिद्ध है। अगर हम इतना भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे और इतना भी हम बच्चों के अंदर संस्कार डाल पाएंगे तो हम नियम से कह सकेंगे कि आने वाली पीढ़ी यही भावी पीढ़ी बनेगी तो उसके अंदर फिर ये विसंगतियां नहीं मिलेंगी जैसा आज हमको सुनने को मिल रहा है। हम ये संस्कार शुरू करें, अपने ही घर से शुरू करें और हिम्मत के साथ शुरू करें, समझा करके शुरू करें। अगर ये आप करना शुरू करोगे तो दिल्ली वास्तव में बदलने लगेगी, और लोग जो अभी तक डरते हैं दिल्ली के नाम पर, वो दिल्ली में अपने आप आ करके, समझ आ रहा है, यहां से सीख करके जाएंगे कि दिल्ली में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, यहां पर भी संस्कारवान लोग हैं,
और यहाँ पर भी सभ्यता अभी बची हुई है, और उस बची हुई सभ्यता को जब लोग देखेंगे तो आपकी प्रभावना अपने आप पूरे जगत में हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? चाहते हो है? थोड़ा विचार में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजिंग तो माइंड में लानी पड़ेगी है? ये तो ठीक है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, क्योंकि अच्छे लोग धर्म को सुन पाते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन जहां पर जो ये लोग नहीं सुन रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको भी हम उनको थोड़ा सा अपना जितना भी प्रयास हो सकता है उसको समझाने की एक चेतना फैलाएं, समझाने की कोशिश करें, और उसी तरीके की भावना से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। पाठशाला के बच्चों को भी हम अच्छे ढंग से प्रेम से बात सिखा सकते हैं, ताकि वो आगे बनकर के आगे चल करके जब अच्छा बड़ा बच्चा बनेंगे तो उनके लिए संस्कार बने रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मोह को क्षय करने के उपाय हैं, ये हमारे लिए ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही आते हैं। ज्ञानाभिभूत निज को निज रूप से ही कालादि द्रव्य पर को ऐसा सुनिश्चय सुधी यदि सुमोह का क्षय करें वह। दो मिनट के लिए सीधे बैठते हैं, आंखें बंद, कमर सीधी। ओम अरहम नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। अपनी चैतन्य आत्मा को नयेन शुद्धोऽहम्। निश्चय नयेन शुद्धोऽहम्। निश्चय नयेन शुद्धोऽहम्। ब्रह्मचर्य स्वरूपोऽहम्। ब्रह्मचर्य स्वरूपोऽहम्। ब्रह्मचर्य स्वरूपोऽहम्। सिद्धोऽहम्। सोऽहम्। अरहम्। अपने शुद्ध स्वरूप की भावना करें। हथेलियों को आंखों पर रखें। ओम। आज की परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की 5:30 बजे ठीक प्रतिक्रमण होगा, 6 बजे गुरु भक्ति, उसके बाद प्रचना स्वाध्याय और